मैम वही कि रिलेशनशिप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है संभालने में, और मतलब इसमें कोई इतनी खास बात भी नहीं है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं लोग, अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी लगने लग जाती है, तो वो भूल जाते हैं कि सामने वाला तुम्हारे साथ भी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और उस चीज़ को चेरिश करना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। आपने अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक इंसान की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे प्रोवाइड करने की, बजाय कि ये ना करें आपकी मैंने इतना करा और उसने इतना करा। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपका सिर्फ फ़र्ज़ है करना, उससे ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। बिल्कुल मैम, सारी चीज़ ऐसा ही है, गलतियाँ तो क्या लोग प्यार भी करना नहीं ढंग से जानते कि कैसे करा जाता है। लोगों को लगता है महंगी चीज़ दे दी तो प्यार हो गया, कुछ मैं घुटने पे बैठ गया तो प्यार हो गया, ये सब चीज़ें नहीं है। एक रिलेशनशिप इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है, बाकी हर तरीके का सपोर्ट बाद में आता है। तो वो इमोशनल सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मेरी नीड है, मैं सपोर्ट तो तब करूँगा ना जब मैं पूरा होऊंगा, मुझे समझ होगी और मेरे को बस मैं आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर मैं वो नहीं कर पा रहा तो क्या सा सपोर्ट, और मैं नहीं दे पाऊँगा तो वो भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सोच नीच ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। ईगो आती है लोगों में, उनको ये लगता है कि भाई हम ज़्यादा कर रहे हैं, सामने वाला कम कर रहा है, तो इस वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अब मेरा करने का तरीका हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा करूँ तो मुझे नॉर्मल लगे, सामने वाले के लिए इतना ही बहुत हो कि उसने भाई मेरे लिए कुछ थोड़ा सा कुछ खाना बना दिया तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो आप ये जज कभी कर ही नहीं पाओगे कि किसने क्या कितना कर दिया है, तो ईगो कभी भी सेंस नहीं बनाती इन अ रिलेशनशिप। मैम यही मैसेज है कि जो मेजर मैसेज है जिसके बारे में अभी बात हुई, कि रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट गेटिंग, इट इज़ अबाउट गिविंग व्हाट इज़ नीडेड। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो देना चाहिए इन अ रिलेशनशिप, वरना अगर आपको खुद ही इतने इश्यूज चल रहे हैं तो रिलेशनशिप में मत आओ, पहले अपने इश्यूज को सॉल्व करो उसके बाद आगे बढ़े। देखिए गौरव जी जो हैं वो उनके साथ बड़ी ही मतलब डीप और लंबी स्टोरी है गौरव जी के साथ। उनके पास मैं गया था जब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगा ऐसा गाना बजाना, तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा था, ऑल्दो मैंने उनसे ऐसा कुछ सीखा नहीं है, मैं बस उनके साथ गया और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि तब से अब तक साथ ही हैं, और ये सॉर्ट ऑफ उनकी वजह से भी पैदा हुआ है ये गाना इन अ वे। मैं चाह रहा था कि वो ये गाने को परफॉर्म करें तो उस हिसाब से ये गाना भी बना है, और उनके लिए ट्रिब्यूट भी है मेरी तरफ से। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, बहुत कुछ वैसे भी सिखाया है, नॉट इन म्यूज़िकलिटी अगर तो वैसे बहुत कुछ मैंने सीखा, तो वो चीज़ भी है। और पलक इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मतलब हमें इसमें काफ़ी ज़रूरत थी कि भाई एक अगर एक्टिंग बहुत अच्छे से ना होती तो ये डिलीवर नहीं हो पाती जो डेप्थ में डिलीवर करना चाह रहे थे हम, तो पलक ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा है, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ये मल्टीपल लोकेशंस थी इसमें, एक तो अपना ही घर था, अपने ही घर की पार्किंग थी, एक क्या कहते हैं एक प्रॉपर स्टूडियो लोकेशन थी जो घर में शूट करा है, एक किसी और का घर था जिसमें रूम का शूट है, एक मेरे दोस्त का कैफ़े है कैफ़े का शूट है, और शायद कुछ मैं एक आधा मिस कर रहा हूँ, तो ऐसी मतलब मल्टीपल लोकेशंस हैं, एक लोकेशन पे नहीं था। बस इसके बाद गाना आएगा वो, मतलब काफ़ी क्यूट और स्वीट सा गाना ही है, और उसमें ऐसा स्टोरी ड्रिवन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आप किसी भी मौसम में किसी भी समय पे एंजॉय कर सकते हैं, तो इसी तरीके का नहीं, हार्ट ब्रेक नहीं, वो हार्ट मेक होगा। थैंक यू।
रैबरा का मतलब होता है जो आपके साथ एक आदमी जर्नी पे होता है, उसको बोलते हैं रैबर। यार मेरा नाम विपुल है वैसे, विपुल धनखड़। और विलेन नाम, यार मैंने मतलब ये गाने बजाने से पहले ही रख लिया था, और उसके लिए पर्सनल लाइफ रीज़न थी काफ़ी बड़ा। और मतलब लोग मुझे ऐसे ही देखते थे पहले, मेरी हरकतें भी ऐसी थी, और मतलब मेरा सिर्फ इतना कंसर्न होता था कि मैं सीधी सीधी बात करूं, किसी को समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो भी कोई मतलब नहीं है अपने को। और कोई खामखा की यारी दोस्तियाँ नहीं रखता था मैं, एक फेज था ये मेरा ज़िंदगी का काफ़ी बाद का, तो मैं सिर्फ लोगों को करेक्ट करता था कि भाई मुझे कोई चीज़ लगती है ये गलत कर रहा है, मैं उसको ठीक करता था। किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं वो करता था, उसके लिए अगर मेरे को एक आधा कदम गलत उठाना पड़ रहा है कि जिससे कि आगे के उसके 20 कदम ठीक हों, तो मैं कोई मुझे दिक्कत नहीं थी उस बात में। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल था, इस तरीके की हरकतें थी, तो यही नाम मुझे सही लगता था। रैबरा, यार ये काफ़ी क्लोज है मेरे गाना, और कुछ इसमें कुछ एक आइडिया है जो कि मैं आपको आज से 2 साल बाद बताऊंगा कि क्यों बनाया, बट वही है, एक मेजर रीज़न ये था कि रिलेशनशिप्स के बारे में ही गाना है, प्यार के बारे में गाना है, कि भाई लव लाइफ में लोग काफ़ी सारी ऐसी बहुत सिंपल जिनके सॉल्यूशन है उन चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल समझने की बातें हैं, उसकी वजह से लोगों का रिलेशनशिप ख़राब होता है, जिसमें कि कंपेयर करना, ईगो आ जाना, और मतलब खुद से इनिशिएटिव ना लेना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे आप एक ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप कुछ ही समय में ख़त्म कर लेते हैं। तो वो चीज़ को समझने समझाने के लिए गाना बनाया था। नहीं, ब्रेकअप तो सर नहीं हुआ, पर वही है कि प्यार, देखो जब आप ऐसे अच्छे से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, तो आदमी प्यार से ही रहेगा। अगर कोई कोई बदतमीजी करता है तो आदमी शिव शंकर भी बन सकता है तो वो उसकी ज़रूरत जब नहीं है तब तो यार प्यारी सबसे पहली चीज़ है। और कुछ भी बदतमीजी करना या वो मतलब किसी भी तरीके का एटीट्यूड, ईगो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, और मतलब मुझे ना सामने वाले में समझ आती और सामने वाले में नहीं आती तो मैं खुद तो कैसे ही करूँ। तो वही है कि विलन तो जब ज़रूरत होती है सिर्फ तभी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब गुनगुनाती चले वो पावन हवा मेरे कानों में आके कहती सदा, क्यों है यादों में पागलों बेजुबा, या तो कह दे या खुद से कर ले सुना। दिल भी बोला सुन बावरे अखियों के दुश्मन, ना मैं कभी टूटा था ना खोया था कहीं, तेरे पास यही हूँ ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है जमाने की नहीं, मैं धड़कता रहूँ तू भी यूँ हंसता रहे, दुनिया जाए भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। धन्यवाद। यार ये अभी अभी तो पूरा है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना उसकी इज्जत रहेगी ना इसकी इज्जत रहेगी कभी लगा तो इसके आगे ही कहानी बताने की ज़रूरत। तो बहुत हिट गया है सॉन्ग, एक रात बहुत, अरे भाई कोई भी देखेगा
सर वो सॉन्ग चलता ही है सर। थैंक यू यार।